तो गाइस कैसे हो आप सब। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस वीडियो पे। एंड जैसे कि आप लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे कि आप अपना स्ट्रीमिंग सेटअप दिखाओ, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे हाइड्रा बूट कैंप के सेटअप टूर के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने को, क्योंकि मैं बहुत दिन से चाहता था कि मैं आपको अपना सेटअप दिखाऊं, आप भी देखो कि मैं क्या सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ स्ट्रीम करने के लिए, गेम खेलने के लिए, जो मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। और आज फाइनली हम वो वीडियो लेकर आ गए हैं, तो अच्छे से इस वीडियो को देखना और सारे चीज़ें देखना कि कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। मैं शुरू से ही क्वालिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता हूँ, और कूलर मास्टर से ज़्यादा अच्छा इसको कौन ही समझेगा। जो इनके क्वालिटी कंपोनेंट्स है, यही मेरा सबसे मेन रीज़न है कूलर मास्टर को चूज करने का हमारे पार्टनर्स के रूप में। जो केसेस इन्होंने बिल्ड किए वो बहुत लास्ट लॉन्ग करते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हैं। मैं अपने कॉम्पोनेंट्स को अपग्रेड करना चाहता हूँ। मैंने खुद से MB540 और TD500 मेस केस को चूज़ किया है। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और क्वालिटी प्रोडक्ट है। मैं खुद से इसको इतने टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और मैं फील कर पा रहा हूँ कि भाई कितना ही ज़्यादा बेहतरीन है। तौबा तौबा, क्या ही बताएं, मज़ा आ गया गाइस। प्लस जब मैंने इनको प्रिज्मेटिक फैंस के साथ इक्विप किया, तो ये जो केस की ब्यूटी है और एयर फ्लो, भाई साहब देखने लायक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। और जब बात आती है अपने सिस्टम को ठंडा रखने के लिए, तो फिर से कूलर मास्टर के आसपास भी कोई नहीं है इंडस्ट्री में। मैं खुद से यूज़ कर रहा हूँ सिल्वर एडिशन 360mm AIO, उसके साथ ही साथ ML360L V2। इसके साथ मेरा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कूल रहता है और कि बहुत अच्छे स्मूथली चलता रहता है। इसके साथ अगर मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत सारे PSUs देखे जिससे मेरे कैबिनेट को और मेरे मदरबोर्ड को अच्छे से पावर सप्लाई मिल पाए, बट सबसे अच्छी बात मेरे को जो पसंद आई वो थी कूलर मास्टर का PSU। मैंने सभी PSUs को देखा, बट सबसे अच्छा जो वेल डिलीवर्ड परफॉर्मेंस मुझे चाहिए था वो मुझे कूलर मास्टर के PSU से मिला। और साथ ही साथ ये एनर्जी भी बहुत एफिशिएंटली यूज़ करता है, मुझे अभी तक कभी भी कंप्लेंट नहीं आई है इससे। और जब मैं किसी लाइट और इजी टू यूज़ चीज़ की बात करता हूँ, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है MM711, जिस जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट डिज़ाइन है और इसे बहुत ही आसानी से मूव भी कर सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, ताकि इसको हम लंबे घंटों तक इस्तेमाल कर सकें। जैसे आप जानते हो, ई-स्पोर्ट्स में जो सबसे जल्दी रिएक्ट करता है वो ही जीतता है। उसके लिए प्लेयर चाहे जितना अच्छा हो, उसका इक्विपमेंट उतना ही अच्छा होना चाहिए। यहाँ हमारा LG अल्ट्रा गियर आता है, इनका फर्स्ट क्लास 27 इंच 240Hz अल्ट्रा गेमिंग मॉनिटर। LG 27G9750 ई-स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए सबसे ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपके अच्छे ई-स्पोर्ट्स मॉनिटर में चाहिए वो सब मिल जाता है। टॉप क्लास 240Hz रिफ्रेश रेट, ताकि सबसे स्मूथ पिक्चर मिले एंड फट से हेड शॉट पड़े। 1mm का रिस्पॉन्स टाइम है इसमें, ताकि कोई भी डिले ना हो गेम में और कुछ और मॉनिटर पे दिखने के बीच। और ना भूलिए इमेज और कलर क्वालिटी सबसे टॉप क्लास, क्योंकि इसमें है IPS डिस्प्ले, अच्छे कलर, बढ़िया ब्राइटनेस एंड व्यूइंग एंगल्स, ताकि जो भी दिखे, चाहे गेमिंग या मेरी YouTube स्ट्रीम, पिक्चर क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अब हम उनकी बात करेंगे जिनकी वजह से हमारा इतना प्यारा सा PC बनकर तैयार हुआ है। Elite Hubs, वन ऑफ द बेस्ट अपकमिंग सिस्टम इंटीग्रेटर्स इन इंडिया। और सबसे अच्छी बात कि ये मुंबई बेस्ड हैं और ये पूरे इंडिया में सिप करते हैं, तो आप कहीं पर भी हो, आप इनसे ऑर्डर करके अपना PC बनवा सकते हैं बिल्कुल मेरी तरह। और आप इनकी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल, वहाँ पर ये बहुत सारी वीडियोज़ डालते हैं PC बिल्ड करने की। साथ ही साथ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जो मेरा PC बिल्ड है बूट कैंप का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो आप यहाँ से पेरिफेरल्स कर सकते हो, उसका बहुत ही बड़ा वैरायटी है इनके पास। अब हम बात करेंगे उस चीज़ की जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है गेमिंग के लिए, जी हाँ, ग्राफिक कार्ड। तो इंडिया का बेस्ट ग्राफिक कार्ड है गेमिंग और स्ट्रीमिंग के लिए Zotac, ओनली ब्रांड जो कि 5 साल की वारंटी देता है। अपार्ट फ्रॉम जो RGB की इफेक्ट्स और लाइट्स रहते हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं, इसका परफॉर्मेंस भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो भी मार्केट्स में कार्ड्स अवेलेबल हैं। Zotac जो है वो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ग्राफिक कार्ड ब्रांड्स है इंडिया का, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। हेलो गाइस, आई होप कि आपको हमारा PC सेटअप बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने सारी चीज़ें देखी कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। लेकिन
जो ये पीसी बिल्ड हुआ है उनके पीछे हाथ है एलीट हब्स का, जो कि एक बेस्ट सिस्टम इंटीग्रेटर्स है इंडिया के, और ये मुंबई बेस्ड है लेकिन ये पूरे इंडिया में सेप करते हैं। आप उनकी वेबसाइट, उनका साइट, यूट्यूब चैनल सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। वो वहाँ पे वीडियोस बनाते हैं पीसी बिल्डिंग के, और जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे देख सकते हो एंड बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको पीसी चाहिए तो आप ज़रूर उनको कॉन्टैक्ट करो, बहुत ही बेस्ट पीसीज वो लोग बनाते हैं। हमारे हाइड्रा बूट कैंप के जो पीसीज हैं वो इलीट हब्स ने ही बनाए हैं, और इनके पास आप गेमिंग पेरिफेरल्स भी ले सकते हो, उनके पास बहुत वैरायटी रेंज है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। लव यू ऑल गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।